Good morning, everyone. Welcome in 10th English class. Today we are going to start our lesson 7. The mentor, little boy, guide me, Mopassan. इसके अंदर एक ऐसी स्टोरी बताई गई है जिसमें ये कहा गया कि हमारे पास जो मिला उसी से मैं सेटिस्फाई होना चाहिए, किसी से भी कुछ बॉर्डर नहीं करना चाहिए। अगर किसी से बॉर्डर करते हैं तो बहुत मुश्किल लगती है। ठीक वैसे ही इसमें कहानी है मेंटल वे राइटर की, इसको मैम राइटर बोलते हैं। शीजा प्रिटी गर्ल, वो एक क्लब परिवार में रहती है, क्लब फैमिली में रहती है और इस चीज की राय रखती है कि मैरिज जब हो तो अच्छे घराने में हो, ऊंचे परिवार में मेरी मैरिज होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, मेरे सभी जिंदगी के ऐशो ऐश आराम करना चाहिए, पूरी ऐश करना चाहती है जिंदगी में। लेकिन क्या होता है, क्लब परिवार में पैदा होने के कारण इसकी मैरिज जो है वो भी एक क्लब परिवार से मिस्टर राइटर जो उसका हस्बैंड होता है वो कलर होता है किसी के साथ शादी करने की, तो अपने जीवन को लेकर इतनी खुश नहीं होती। जबकि सारी तरफ होती है मिडिल परिवार में होता है कलर होता है, तो क्या हो मिडिल परिवार है लेकिन वो खुश नहीं होती। वो कहती है मैंने ये सोचा बात ये ऐश करूंगी ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन फिलहाल उसकी फसल नहीं होती। तो मिस्टर राइटर है वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि इसकी सारी फैसिलिटी पूरी करूँ, इसकी सारी सुविधाएं सब सारे सिस्टम वो पैसे इकट्ठे कर सकता है एक्स्ट्रा काम भी। तो क्या है एक दिन क्या होता है, एक जो मिनिस्टर होता है उसके साथ में पार्टी के लिए काम कर रहा है, वहाँ पे छुट्टी कर रहे हैं, एक पार्टी होती है उसके पार्टी। तो ये पार्टी का इन्विटेशन मिनिस्टर राइटर उसके अंदर जो पार्टी का इन्विटेशन लेकर आते हैं बहुत खुश होता है, मैं कि मेरी बेटी जो मैं राइटर मैच्योरिटी है बहुत खुश हुई। वहाँ पर इन्विटेशन जैसे तो मैच्योरिटी में देते हैं तो मैच्योरिटी बिल्कुल भी खुश नहीं होती, बल्कि इन्विटेशन केवल कहते हैं। तो कैसे क्या बात, आपको खुशी नहीं हुई एक बहुत अच्छी पार्टी में जाने का मौका मिला है, तो क्या हुआ? वो कहती नहीं मुझे कोई खुशी नहीं, बिकॉज ऑफ आई डोंट हैव एनी गेस्ट, मेरे पास कोई भी बढ़िया से बढ़िया गेस्ट नहीं है जहाँ पहनने के लिए। तो क्या हुआ मिस्टर हस्बैंड कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे पास 400 फ्रेंड्स मैंने बताए हुए थे एक गन खरीदने के लिए, वो आपको देता हूँ आप देंगे अच्छी सी डेस्क बनवा लीजिए। तो बहुत खुश हो जाती है, जाकर बढ़िया सी डेस्क बना बनवा लेती है, डेस्क वाले को खरीदना ना सकती, कहते अब क्या हुआ शीट हो कि मेरे पास कोई भी आना में कोई भी ज्वेलरी करने के लिए नहीं है। तो इसके लिए हस्बैंड ने कहा कि इसके लिए अब पैसे भी नहीं है, एक काम करो आपकी फ्रेंड है आपकी फ्रेंड है आप उसके पास जाओ, वहाँ से कोई भी नेकलेस बॉरो कर लो उठा ले लो, एक पार्टी का इंतजाम है उसके बाद चेक सुना। तो बहुत खुश होती वो अपनी अच्छी गर्ल से जो करते हैं अपनी फ्रेंड के पास पहनने के बाद जाती है उसकी सारी बात बताती है। तो कहती कोई बात नहीं आई होप आई हैव लॉट, मेरे पास बहुत से हैं आप अलमेस्ट होती है उसको सारी चीज़ें बताती। फिर मैंने मिला उसमें से एक डायमंड नेकलेस चूज करती है, कहते इज इज बेस्ट, वो उसको पहनती है फिर उसे याद रख हो के जब जाते हैं पार्टी में कहते हैं सबकी मैं सबका आकर्षण बनना चाहती हूँ सभी मेरे कहते हैं कि वाह। तो क्या है जब वो जाते हैं खूब खुश होती है, सभी उसकी बहुत तेज करते हैं कि वाह कितने हाउ प्रिटी शी इज, बहुत ही सुंदर लग रही हो। तो जैसे घर में आते हैं अपने चेंज करने के बाद आईने के आपकी बैठती है आना भी चलाने के लिए, तो एकदम से है ना उसकी वो बैठने को नहीं शी हमने थी उसे हो गया। तो वापिस दोनों जाते हैं ढूंढने के लिए जहाँ पार्टी थी वहाँ भी फूल जाते हैं भी, लेकिन कहीं भी फूल नहीं। तो इसके बारे में लेकर बहुत ही बड़ी गलत है बहुत चिंतित होते हैं, वो कह रहे हैं कि क्या करें। तो अगले ही दिन क्या करते हैं हम जनरल के पास जाते हैं उनको बताते हैं कि इस टाइप का नेकलेस हमें बनाना है वो कितने का मिलेगा। तो बैरकॉट जनरल कहता है कि उसकी कीमत 36,000 सेंट हो, लेकिन उसके जो हस्बैंड है वो कहता है मेरे पास कितने नहीं है 18,000 फ्रेंड्स को मैंने किसी से कर लूंगा, वो इकट्ठे कलेक्ट करते हैं 18,000 फ्रेंड्स को इकट्ठे कर देते हैं, लेकिन बाकी के क्या करें जो हमारा घर वो घर छोड़ देते हैं, नौकर चार को काम करते हैं वो घर से निकाल देते हैं और दूसरी जगह छोटा सा घर देखो उस भी रह लेते
यूज करती है, गुड का काम करती है, गुड मैटेरियल सारा घर का काम यूज करने लग जाती है, और मिस्टर राजस्थान से अंदर से वो भी ओवर टाइम काम करने लग जाती है। 10 साल काम करने के बाद उनका जो घर जो है वो उतरता है, और फिर ये फैमिली मैटर जो होता है वो बनाकर वो अपने फ्रेंड्स को वापस लेकर आते हैं, लेकिन उसका कर्ज अभी लगता है। 10 साल की मेहनत करने के बाद, चिंता में डूबने के बाद वो क्या हुआ, बूढ़े से रहने लगे। कहते चिंता से चिता समान होती है, 4 साल का इंसान और 40 का 10 साल का वो सोचा लगे। तो क्या हुआ, लेकिन मिस्टर जो है वहां से सामान ले रही थी मार्केट में, तो सदन उसकी फ्रेंड प्रत्येक वहां से गुजरी, तो प्रत्येक उससे नहीं रहता बिकॉज ऑफ शी बिकेम ओल्ड, वो बुरी हो चुकी थी, काफी इसमें चेंज आ गया कि जो खूबसूरती वो खत्म हो चुकी। तो मैं उसको आइडेंटिफाई करने का चांस दिया कि उसने इसको बुलाया, तो फिर लड़के ने उसको भाव की ट्रेन में पता क्या होगा, आप तो बहुत प्रति जी सुंदर थी, क्या हो गया आप तो बहुत ही अग्नि की बहुत बदली करने लगी हो। तो उसने सारी स्टोरी जब मिसिस मैकेले लड़कों ने प्रत्ये को बताई कि मैं उनको शी उसे बहुत दुख है, बहुत ज्यादा दुख हुआ, कहती क्या किया तुमने, मैं से बात तो कर रही थी कि वो 36,000 का रियल डायमंड का नेकलेस नहीं था, दैट वाज आर्टिफिशियल नकली था, ओनली 500 सेंट, उसकी कॉस्ट कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 500 सेंट थी। तो उसको बहुत झटका लगा, बहुत दुख हुआ इस बात को लेकर। इससे क्या पता चलता है कि हमें कभी भी किसी से कोई चीज उधार नहीं चाहिए, जो खुद के पास है उसी से अगर आप सही चलोगे तो इतना कर्ज किस पे नहीं होगा, ना किसी की टेंशन होगी ना आपकी लाइफ होगी। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन।